कि मैं कामासुर और लोभासुर के समान नहीं, खुलकर अपना दांव चलता हूँ, इसलिए सीधे चला आया यहाँ आपके समक्ष आपको अपनी चुनौती देने। हमारे निवास में प्रवेश कर हमें ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। कितने मूर्ख हो तुम ममतासुर। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसमें दुस्साहस कैसा? भ्राता कार्तिकेय, और ये केवल आपकी माता का निवास नहीं अपितु मेरी भी तो माता का निवास है ना। माता का निवास है ना मेरे प्रिय भ्राताओं। मैंने तुमसे कहा ना दुष्टासुर, मैं तुम्हारा भ्राता नहीं हूँ, अन्यथा मैं ममतासुर। माते माते माते, मैं आप दोनों से इतना स्नेहपूर्ण बात कर रहा हूँ और आप इस प्रकार अपने अस्त्रों से मुझ पर प्रहार करना चाहते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप मुझे आहत करने के इच्छुक हैं, तो ठीक है, मैं भी आपका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय भ्राताओं, तुमसे कहा ना, हम तुम्हारे भ्राता नहीं हैं। माते माते माते, आप दोनों मुझे अपना भ्राता माने या ना माने, किंतु मैं आप दोनों को अपना भ्राता मानता हूँ। इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि मैं अजय हूँ। अजय, स्वयं जगत पिता महादेव ने मुझे वरदान प्रदान किया है, तो क्षमा करें, चाहे जो कुछ भी हो, आप दोनों मुझे रोक नहीं सकते, जिसका प्रमाण आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा, जब समस्त संसार में माताओं और पुत्रों को प्रभावित करूंगा मैं। सभी अभिभावकों में उनकी संतानों के प्रति इतनी ममता भर दूंगा जो उनके लिए चिस बन जाएगी। किंतु वो दृश्य तो आपको पहले ही ज्ञात हो चुका है ना, है ना भ्राता गणेश? दुष्ट, हम तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने देंगे। और पूर्व में किए गए तुम्हारे अपराधों का दंड भी तुम्हें उचित प्रकार से मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है, हम भी देख लेते हैं कि आप दोनों क्या करने में सक्षम हैं। हमें इस प्रकार ललकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है ये दुष्ट? कदाचित इसने अपनी सुरक्षा की योजना पूर्व में ही रची हुई है। मुझे भैया को सावधान करना चाहिए। अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा दुष्ट, जो कामासुर और लोभासुर का हुआ था। माते कार्तिके, रक्षा कीजिए, वरना देव सेनापति मुझ पर वार कर रहे हैं। प्रणाम माते। देखिए ना माते, मेरे इतना समझाने पर भी कि अब मैं सुधर चुका हूँ, मेरे इन दोनों भ्राताओं का क्रोध शांति नहीं हो रहा है। मुझे दंडित करने, मुझ पर प्रहार करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कामासुर और लोभासुर के साथ किया। देखिए ना माते, कितनी कठोरता से व्यवहार कर रहे हैं दोनों मेरे साथ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं, कि ये मेरी भी वैसी दुर्दशा करेंगे जैसे इन्होंने कामासुर और लोभासुर की थी। तुम दोनों ने ऐसा कहा था? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? पुत्र, ये उचित नहीं। यदि कोई सुधरने का प्रयास कर रहा हो तो हमें उसे उसका अवसर प्रदान करना चाहिए। माता, आपने इन्हें शांत तो करा दिया है, परंतु इनका क्रोध मेरे लिए कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न कर सकता है। मुझे तो अत्यंत भय का आभास हो रहा है माते। पुत्र पुत्र, तुम चिंता मत करो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाकर ये तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। पुत्र,
तुम निर्भय होकर यहाँ से प्रस्थान करो। माते देखिए ना, आपके रोकने के बाद भी मुझे कैसे एकटक देख रहे हैं दोनों। आपके यहाँ से जाने के बाद इन दोनों ने मुझ पर कोई 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 वार कर दिया तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूँगा माते? मुझ में तो इतनी शक्ति मिली है माते। माते माते आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की आहत ना पहुंचा सके। ये माता की ममता से ही जन्मा है और अब उसी ममता का लाभ उठा रहा है ये दुष्ट। उसके शीश को कैसे मिला दिया आपने? उचित है पुत्र। माता, यही दे दीजिए मुझे, ये दे दीजिए। ये क्या, माता तो अपना ही दिव्य अस्त्र शक्ति रूपी गदा प्रदान करने जा रही है दुष्ट ममतासुर को। माता नहीं पुत्र, जब किसी के भीतर सुरक्षा का भाव रहेगा तभी तो वो स्वयं के भीतर सुधार ला सकेगा। लो पुत्र ये दिव्य गदा लो, जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। और ये गदा तुम्हारे लिए कवच का भी कार्य करेगा और अस्त्र का भी। माता के अस्त्र से सुरक्षित होने पर इसे हम भी क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। आपको अनेकों धन्यवाद। इसे जाने दो पुत्र, इसे एक अवसर प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। चलता हूं, आपसे शीघ्र भेंट होगी प्रिय भ्राताओं। भैया अभी क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं होगा। अब कितना भी क्रोध कर लीजिए देव सेनापति कार्तिकेय जी, किंतु जब तक मेरे पास महादेव का वरदान है एवं माता पार्वती की ये दिव्य गदा है तब तक ये मेरे लिए सुरक्षा कवच बने रहेंगे। अब जब तक इसके पास माता के द्वारा प्रदान की गई ये गदा है तो इसके विकार को मिटाने का क्या उपाय है? अब मैं समस्त संसार में ममता के कुचक्र का विस्तार कर अपने महानायक भंडासुर को प्रसन्न कर दूंगा। ये कैसी विडंबना है प्रभु, इस ममतासुर ने तो माता को ही पुत्रों के विरुद्ध जाने को विवश कर दिया है। हमारे ही निवास में हमारी माता को अपने पक्ष में कर उनसे ही अपने लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया इस कपटी ममतासुर ने। भैया स्मरण कीजिए, माँ ने ममतासुर को दिव्य गदा प्रदान करते समय क्या कहा था? जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अर्थात अनुज? अर्थात माँ की दिव्य गदा को उसके हाथों से विलक करते ही हम उसके प्रभाव को मिटा सकेंगे। ठीक
किंतु ममतासुर का गुप्त स्थान तो हमें फिर भी ज्ञात करना ही होगा ना अनुज। कहीं लोभासुर के समान ही ममतासुर के गुप्त स्थान को ढूंढने में भी हमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो बहुत अधिक विलंब हो जाएगा अनुज। नहीं भैया, ममतासुर को ढूंढने में हमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं को हमारी दृष्टि से अवश्य छिपा सकता है, किंतु माँ की गदा की दिव्य ऊर्जा को कदापि गुप्त नहीं रख सकेगा। हाँ गणेश, जिस गदा को पाकर वो स्वयं को सुरक्षित समझ रहा है, वही गदा अब हमें उसके स्थान का संकेत देकर हमें उस तक ले जाएगी। चलिए मयूर जी। भैया, वो दिव्य ऊर्जा तो हमें इन पर्वतों के मध्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है। अर्थात ममतासुर का गुप्त स्थान भी इन्हीं पर्वतों में स्थित है। गणेश, कितना विचित्र स्थान है नहीं? हाँ भैया, ये तो जैसे हमने एक श्वेत संसार के भीतर ही प्रवेश कर लिया। तो ये है ममतासुर की नगरी। हाँ भैया, ये कैसी विडंबना है कि श्वेत रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है, जिसके सर्वथा विपरीत ममतासुर अपने विकार के प्रभाव से सर्वत्र अशांति ही उत्पन्न करेगा। किंतु ये सब कौन है और यहाँ क्यों है? लो पुत्र, ये लड्डू तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए और ये अंतिम मेरे लिए। ये भी हमारा है। अरे हमारा नहीं, मेरा है। अब मुझे दो। ये आम तो अत्यंत स्वादिष्ट है माता, चलो इन्हें लेकर चलो। जब माता पिता की ममता ही अनुचित कार्य करने को प्रेरित करने लगे तो संतान ही नहीं समूचे समाज के लिए ये अनिष्टकारी सिद्ध होता है। ममतासुर भी समाज को इसी अंधकार की ओर ढकेल रहा है। श्वेत रंग ममता की भावना का भी रंग है, किंतु ममतासुर उसी श्रेष्ठ भावना का दुरुपयोग कर रहा है। तो उसे ढूंढ कर उसके साथ उसकी संपूर्ण दुष्टता का भी शीघ्र ही अंत करना चाहिए हमें गणेश। हाँ भैया, किंतु कदाचित ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि माँ की दी हुई गदा की दिव्य ऊर्जा तो यहाँ अनेकों स्थानों से प्रकट हो रही है। फिर इन सब भवनों में से ममतासुर का भवन कौन सा है, ये कैसे ज्ञात करें हम अनुज? अरे, ये पक्षी पत्थर की ठोस दीवार से कैसे प्रवेश कर रहे हैं? ओ, अब समझा। भैया, ममतासुर को ये अवश्य ज्ञात होगा
कि हम उससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने यहाँ आएंगे। इसीलिए हमें भ्रमित करने हेतु उसने इन अनेक मायावी भवनों को उत्पन्न किया है, किंतु वो वास्तविक भवन तो एक ही है जहाँ वो स्वयं छिपा हुआ है। तो ये है ममतासुर की माया के परे का अंधकारी सत्य, और ये है उस दुष्ट मम। इसी दिशा में स्थिर क्यों है? ये श्वेत भवन तो अन्य मायावी भवनों के समान ही है। भैया, यहाँ यही एक भवन सत्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है वो माया से रचित भ्रम मात्र है। आप स्वयं देख लीजिए भैया। गणेश, जब हमें ये सत्य ज्ञात हो ही गया तो आप तनिक भी विलंब अनुचित है। रुको अनुज, गणेश इस द्वार को मैं खोलता हूं। जी भैया। ये क्या, ये द्वार तो स्वतः ही खुल रहे हैं। स्वागत भ्राताओं, ममतासुर आपका स्वागत करता है। देवता हो या ऋषि, देवी पार्वती से जन्मे ममतासुर के मोह ममतापुर में कोई भी आ तो सकता है, किंतु जाना असंभव। मूर्खों की भी कोई कमी नहीं है। इनका तो जीवन पूर्ण हो गया, अब आप कैसे बचेंगे गणेश जी? इन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैंने इनके लिए श्वेत पुष्प नहीं विषैले कांटे बिछाए हैं। क्या हुआ भ्राताओं, अभी तक आप वहीं क्यों स्थित हैं? आइए आइए आइए, भीतर आकर अपने इस भ्राता को आपके उचित आदर सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ तुम्हारे? क्षमा कीजिए भैया, किंतु यदि ममतासुर भ्राता मानकर हमारा सत्कार करना चाहता है तो इसमें अनुचित क्या है? भैया स्थिति को समझिए, इसे इसके छल में उलझा कर ही हम इससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने में सफल होंगे, समझे भैया? अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं प्रथम पूज्य हूँ, इसीलिए विधि के अनुसार सर्वप्रथम आगे बढ़ने का अवसर तो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए ना? अवश्य अनुज। मेरे प्रिय भ्राताओं, इन सुंदर पुष्पों में छुपे विषैले कांटों से तो अब
आपके पत्रान तो क्या कोई रक्षा कवच भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ममतासुर के मुख पर इतना कुटिल भाव, अर्थात ये पुष्प वास्तविक नहीं, भ्रम है, छल है। कितने कोमल पुष्प हैं। ये विषैले कांटे पुष्पों में कैसे परिवर्तित हो गए? इन पुष्पों को हमारे मार्ग में बिछाकर हमारा स्वागत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ममता सर। अनुज गणेश, आज हम प्रथम बार ममता सर के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि ममता सर को आगे आकर हमारे चरण स्पर्श करके हम दोनों का स्वागत करना चाहिए? विशेषकर प्रथम पूज्य गणेश जी का तो करना ही चाहिए। भैया उचित कह रहे हैं ममता सर, आयु में तुमसे अधिक होने के कारण तुम्हें यहाँ आकर हमसे आशीष लेना चाहिए। गणेश जी ने चमत्कार कर विषैले झाड़ के कांटों को पुष्पों में परिवर्तित कर दिया, किंतु यदि इस कालकूट विष का मेरे चरणों में स्पर्श भी हुआ तो कहीं मेरे जीवन पर ही कोई संकट ना छा जाए। क्या हुआ ममता सर, आओ आगे बढ़ो। हाँ ममता सर, अन्यथा माँ को ज्ञात होगा कि हम इतने स्नेह से तुमसे भेंट करने पहुँचे और तुमने उचित प्रकार से हमें प्रणाम भी नहीं किया, तो उनका हृदय कितना आहत होगा। और उस पीड़ा से उत्पन्न हुए क्रोध के कारण कहीं ऐसा ना हो कि तुमने उनसे वरदान में जो प्राप्त किया है कहीं वो तुम्हें उससे ही वंचित ना कर दे। अब माँ के क्रोध का क्या पता, समझ रहे हो ना तुम? ये कैसी दुविधा प्रकट हो गई, अब मैं क्या करूं? अनुज गणेश, कदाचित ममतासुर हम दोनों का स्वागत करने का इच्छुक ही नहीं है। चलो हम ही जाकर माँ को इसके इस कपट से अवगत करवाते हैं। हाँ भैया चलिए। चलो आओ। अब नहीं नहीं रुकिए। पूरे फंसे ममतासुर, गणेश तुम्हारे छल से तो सुरक्षित रह गया, अब देखना है तुम स्वयं को अपने ही छल से कैसे बचाते हो। प्रणाम तो दाहिने हाथ से ही किया जाता है ना? आप दोनों चतुर अवश्य हैं, किंतु एक प्रकार से मैं भी आपका भ्राता ही हूं, इसलिए मुझे उलझाना इतना सरल नहीं। भैया अत्यंत कपटी है ये दुष्ट, सर्वप्रथम हमारे विरुद्ध अपनी माया का प्रयोग किया इसने, और अब हमारी माँ से प्राप्त दिव्य अस्त्र से ही स्वयं को सुरक्षित भी कर रहा है। क्या हुआ मेरे प्रिय भ्राताओं, अपने इस भ्राता को आशीष नहीं देंगे आप? शीघ्र विकार मुक्त होकर सत्कर्म करो।
जो कभी होगा नहीं। मैं भी तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ को स्वीकार करो। मेरे दोनों भ्राता स्वप्न बहुत देखते हैं। आइए भीतर प्रवेश कीजिए। मैं ऐसा आदर सत्कार करूंगा आप दोनों का जैसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हम भी देखते हैं कि इस गदा को कब तक थाम के रख सकते हो तुम। आइए मेरे अतिथि गृह में स्वागत है आप दोनों का। ममतासुर एक सुझाव है तुम्हारे लिए। तुम तनिक सतर्क रहना क्योंकि गणेश माँ को सर्वाधिक प्रिय है, इसीलिए उसके अतिथि सत्कार में यदि तुमसे कोई चूक हो गई तो माँ क्रोधित होकर केवल तुम्हारी सहायता से ही मुख नहीं मोड़ेंगी अपितु इसके लिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड भी देंगी। और गणेश तो इतना विशेष अतिथि है तुम्हारे लिए कि उसका सत्कार तुम्हें सेवकों द्वारा नहीं अपितु स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। सेवक नहीं, अपने प्रिय भ्राताओं की सेवा तो मैं स्वयं ही करूंगा। ये कैसा वचन दे दिया मैंने इन्हें? ऐसा करने पर तो मुझे अपनी गदा को अपने हाथों से मुक्त करना होगा। आरंभ कीजिए भ्राताओं। और लड्डू दीजिए ना। पूरी सब्जी, दाल, ममता सर खीर दीजिए। लड्डू दीजिए। मोदक। जल दीजिए। हमें अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत कर आनंदित कर दिया ममतासुर। इनका प्रस्थान करना ही उचित होगा, अन्यथा कहीं मैं स्वयं ही थकान से गिर न जाऊं। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। ये दोनों तो अभी भी यही हैं। मुझे अपनी गदा को अपने हाथों में ही रखना चाहिए। ये क्या ममता सर? तुम्हारे अतिथि अभी भी यहीं तुम्हारे समक्ष ही उपस्थित हैं। और तुम विश्राम करने का विचार कर रहे हो? लज्जा नहीं आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बैठ कर रहा हूं। मैं तो अपने स्थान पर ही स्थित हूं। एक हाथ से गदा को थामे हुए और दूसरे से इन दोनों की सेवा, कितना थक गया हूं मैं। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं।
और आशा करते हैं कि जिस श्रद्धा से तुमने हमारा सत्कार किया उसी श्रद्धा से बुराई का त्याग कर तुम अच्छाई के पथ पर भी अग्रसर होगे। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे ये गदा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। हमें यहाँ से जाना ही होगा। मुझे मेरे ही जाल में फंसाने आए थे दोनों। किंतु मैंने उनकी योजना को विफल कर दिया। हमारे जाल में तो तुम उलझ चुके हो ममतासुर। ये दोनों तो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे। ये दोनों यही है। मेरी गदा। बोलो, बताओगे ना ये भी? माँ के पुत्र को आहत करने का इतना बड़ा प्रयास किया तुमने। फिर यदि गणेश ने भी कुछ माया का प्रयोग कर लिया तो इसमें कैसा छल? भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे ये गधा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं। जिन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया था वो दोनों केवल इनके माया के प्रतिरूप थे। हाँ, और हम स्वयं यही थे, तुम्हारे अत्यंत निकट। आपको क्या लगा कि मैं अपनी वास्तविक गदा को अपने हाथों से विलग होने दूंगा? मुझे आपके आगमन से ही संदेह हो गया था, इसीलिए तो मैंने एक अन्य गदा थाम रखी थी। वास्तविक गदा तो अब भी मेरे हाथों में है। क्या हुआ, आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे? मैं सत्य कह रहा हूं, वास्तविक गदा मेरे हाथों में ही है। जो इस समय आपके पास है वो तो एक साधारण गदा है जिसका कोई लाभ नहीं। छोड़ दीजिए उसे। मैं आश्चर्यचकित हूं ममतासुर, कोई इतना अबोध कैसे हो सकता है भला? तुम अब तक भी नहीं समझ पाए, माया के देवता को अपनी माया से छलने का प्रयास कर रहे हो तुम अब भी। तुमने हमारा उत्तम आदर सत्कार किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर और प्रदान करता हूँ। सुधर जाओ, ममता का अनुचित लाभ उठाना छोड़ दो। देखो ममता सर, हम यहाँ तुम्हें हानि पहुँचाने नहीं, अभी तो तुम्हारे भीतर के विकार को नष्ट करने आए हैं। इसीलिए यदि तुम स्वयं अपने भीतर के विकार का त्याग कर दो तो हम तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। माते माते माते, मेरे भोले भ्राताओं, इतनी सरलता से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। मेरे विकार जो मेरे जीवन का आधार है उनका परित्याग कर दूं? कदापि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं महानायक भंडासुर जी को प्रसन्न करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये तो तभी होगा जब मेरे विकार से प्रभावित
बालक अनुशासन के सभी नियमों को भंग कर और अपने माता पिता की अवज्ञा और अपमान करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे और बालकों की ये कुटिलता समय के साथ निरंतर बढ़ती जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा ममतासुर। ये लो। दाताओं, पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ।